ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दल्लेगांव पंचायत के वार्ड नंबर 9 भवानीगंज के जाहिद व जमीन अख्तर के घर में अचानक आग लगने से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन मौके पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि दोनों परिवार के लोग काफी गरीब हैं, मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आग की वजह से दोनों परिवारों का घर जलकर राख हो गया है। हमसे इससे पूर्व भी सचेत किया था जनताओं को, माँ बहनों को, कि ये सुखाड़ का दिन है, आप जब ही खाना बनाने का काम करें तो या तो सुबह के टाइम में बना लिया करें, या तो फिर शाम को बनाएं, और ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे हमको खाना बनाना ही है। और अक्सर बिस्तर 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच तेज़ हवा चलती है, और ये जो पछुआ हवा चलती है, ये पछुआ हवा आग के हवाले कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को, किसी भी झोपड़ी को ये आग के हवाले कर सकता है ये हवा। भी कहेंगे सरकार के कि ये चूक है, ये हो ही जाता है, और सरकार उन लोगों को उचित मुआवजा दे, और कम से कम वो बेचारों को, जिसका 5-5 बेटी हो, ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, और उनको इंदिरा आवास भी दे ताकि वो बेचारा किसी तरह से अपना सर ढक करके रह पाए। वो कच्चे मकान था, वो आग बुझाने में लोग तो पूरा जो है कि मिट्टी में मिल गया, अब रहने का उनके पास कोई व्यवस्था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार उनको इंदिरा आवास का व्यवस्था करे, और जो भी उचित मुआवजा होता है उचित रहन सहन और खाने पीने के लिए उसका व्यवस्था करे। यही मेरा विनती होगा, यही मेरा अपील होगा, आग्रह होगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सुखाग्रस्त दिन? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कम से कम ये तपन वाली दिन और ये जो पछुआ हवा जो चल रही है, ये कभी भी किसी को भी निगल सकता है, आग के हवाले कर सकता है, इसलिए बहुत सावधानी बरतें और सुबह शाम ही खाना बनाने का काम करें, 12 बजे खाना ना बनाएं, और बहुत सतर्कता से रहें, सतर्कता से खाना बनाएं, यही हम कहेंगे। ये आग कैसे लगी? ये आग कोई मतलब हवा के कारण, जैसे हवा चल रही थी उसके वजह से आग लगी हुई है पहले से। अच्छा, आग पर आप लोग काबू कैसे पाए? काबू पाने का ये कारण था, मतलब यहाँ पे पानी का बहुत कोई सुविधा नहीं है, पानी वो दूर दूर से लेके आए, इसलिए वैसे भयानक आग लगी है इसके वजह से। अंचल और प्रशासन की टीम पहुँची है अभी तक? अभी तक कोई नहीं आई है। सूचना दिया गया उनको? सूचना तो अभी तक नहीं दी है हम लोग, मुखिया जी दे दिए हैं। घटनास्थल पर मुखिया जी आए थे क्या? हाँ, मुखिया जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं कि इनका जो मतलब वो है, मदद किया जाए कुछ इनका। अच्छा, कितने परिवारों का घर जला है? ये 2 परिवार रहते थे यहाँ पे। अगर देखा जाए तो कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम 2-3 लाख-4 लाख का नुकसान हुआ है इनका। इनका जितना भी चावल था, जिनका भी मतलब डेक भर सब जल चुका है, कपड़े लेते कुछ नहीं। देखिए, पहले तो बेहद दुख की बात है कि एक गरीब परिवार का आशियाना उजड़ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंचल अधिकारी के महोदय से या हम लोगों के द्वारा जितना हो सकेगा राहत मुहैया कराएंगे हम लोग। दुख की बात है कि जिनका आशियाना आज उजरा है, उनको 5 बेटी है, एक भी बेटा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। जिनकी शादी के लिए वो कुछ सामान का जुगाड़ किए थे, वो आज जल के राख हो गया होगा। जितना भी जला है उनके लिए वो बहुत कुछ था। एक 5 बेटी है जिनकी शादी के लिए कुछ भी थोड़ा मोटा करके जमा करते थे, वो आज जल के राख हो गया है। उनके लिए सब कुछ उजड़ गया आज। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से, अंचल अधिकारी महोदय से रابطہ करके जितनी जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो, उनको राहत मुहैया कराया जाएगा। लगातार जो है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ते रहते हैं और सूखाग्रस्त दिन है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तमाम लोगों से, तमाम ठाकुरगंज विधानसभा वालों से, लोगों से आग्रह करता हूं कि अभी सूखा मौसम चल रहा है, आप अपने घर में खाना 10 बजे से पहले बना लें, और कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे इसके लिए आप सतर्क रहें। कैसे आग लगा? अब कैसे लगा? हम तो दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जानकारी मिली तो तुरंत आप लोग? हाँ। अच्छा, आग पर काबू कैसे पाया गया? कौन
आग पर कैसे काबू पाए आप लोग? बोटिंग चालू किया, बोटिंग चालू किया, ट्यूबवेल से पानी लेके आए थे। देखा ये कितने का नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत नुकसान हुआ, हालांकि कुछ नहीं बचा। खाने पीने का सामान भी जल चुका है, इनका सामान भी जल चुका है, कपड़ा भी जल चुका है। कोई अधिकारी आए अभी तक? नहीं।